तो अभी ऑनलाइन का सामान लेके हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग बोमदिला से अभी निकल गया है। वो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बाईपास पे। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा लेफ्ट जाएंगे और राइट रास्ता जो वो प्रीवियस वीडियो में देखा आप लोगों ने, वही रास्ता यहाँ ज्वाइन होते हैं। तो आप लोग ये रास्ता ओके देरांग, तावांग, नाफरा, बिछुम, बोमदिला, ये सब जगह से आ सकते हैं यहाँ से। अभी हम लोग यहाँ सोचा से ब्रेक लिया है तो बाइक दोनों को भी यहाँ में है और हम लोग का रास्ता और आगे है और आगे बहुत लंबा। मौसम भी बढ़िया है आज, एक लोग राइडर्स लोग आज का। यहाँ से सीधा जाने से तावांग दिरांग आप लोग जा सकते हैं और ये हमारा नाफरा सल्लरी बिछुम जाने का रास्ता है, बाईपास है ये। अभी यहाँ का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, रोड कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। पीछे का हम लोग साथ ही, यहाँ का रास्ता नहीं बेचते ना, पीछे का हम लोग बाइक भी साथ में आ रहा है, खराब है उनके पूरा पहाड़ खोद के ख़त्म होने वाला है। पहाड़ बहुत काम आते हैं ये रास्ता सोलिंग करने के लिए। बड़ा बड़ा मशीन लोग यहाँ में काम कर रहे हैं। ये राहुंग है, राहुंग बस्ती सल्लरी से पहले मिलते हैं 9 मील के बाद। रास्ता लेकिन मानना पड़ेगा बहुत ही खराब है, यहाँ का नाफरा तक तो हालत खराब है ऐसे रास्ते से। अभी तक यहाँ का रास्ता लोग अच्छा नहीं हुआ है। गाँव के अंदर में देखो रास्ता पूरा नाला और रास्ता एक ही साथ है। आप इसको रास्ता बोलेगा कि नाला बोलेगा? क्या नाम दो यार। अभी हम लोग क्विटांग बस्ती पहुंच गए हैं। छोटा सा बस्ती है, छोटा सा बस्ती है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये भी बस्ती बोलते हैं। हाँ यार देखो गाड़ी कैसे घुमा रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ऊपर आगे से ही रहने जा रहे हैं। तो ये रहा हम लोग का क्विटांग बस्ती, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। अरुणाचल में ज्यादातर बस्ती लोग बहुत छोटा छोटा ही होता है ऐसे। अभी हम लोग सल्लरी बस के हैं, ये सल्लरी का व्यू है। सल्लरी मार्केट जो वो नदी फार्म में जो है, वो जो अंगूर फार्म है। तो ये रास्ता से जो हम लोग दादी मालों का घर जाते हैं यहाँ से, जो वहाँ से स्ट्रेट रोड है, वो जो नाफरा की ओर जाते हैं, नाफरा जीरी गाँव होके बिछुम जाने वाला रास्ता है। तो अभी सल्लरी में हम लोग अभी यहाँ से अभी हम लोग वहाँ दिख्यांग बस्ती की ओर निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, हमें इन लोग थोड़ा रेस्ट किया था। तो यहाँ से आप सीधा जाने से अंगूर फार्म है, यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, बहुत सुंदर है ये जगह भी। और अंगूर के टाइम में आने से अच्छा है यहाँ से जो अभी हम लोग का दादी वालों को वहाँ जाते हैं। और रास्ता बहुत स्टीफ है यहाँ का, स्टीफ प्लस रास्ता भी बहुत ख़राब है यहाँ का। ये पुहुन का लास्ट बस्ती है यहाँ का,
तिख्यांग बस्ती जो यहाँ सारतांग लोगों के साथ बॉर्डर में है। ये थोड़े आगे के बाद सारतांग के बॉर्डर कंप्लीट होंगे। ये जो अभी हम लोग चल रहे हैं वो सारतांग का ही रास्ता है और ये सारतांग एरिया ही है अभी तक सलरी वाले के। ये सलरी वाले सारतांग कम्युनिटी के अंदर आते हैं। लड़ी का व्यू ये रहा आंगूर फार्म इसके नीचे में जो है। अभी हम लोग रनिंग मैच तक अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं। है तो रास्ता देखिए आप लोग, रास्ता बहुत खराब है यहाँ का और प्लस यहाँ से नीचे जाने से मिलेगा भी नहीं। यहाँ से नीचे अगर चला गया तो सीधा नदी का ओर है। बाय मिस्टेकली भी नीचे नहीं जाना है, सीधा चलना है या तो बाहर में चलना है, दोनों से एक है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ स्पीड लोग भी मेंटेन करके चलते हैं क्योंकि कोई बैरिकेड्स वेरिकेड्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे दुखाने के लिए। ये हम लोग का ट्रेडिशनल वो सैनबोर्ड था वो क्या होता है। ये रहा हम लोग का दिख्यांग बस्ती, हम लोग का डेस्टिनी था हमको। तो ये रहा मेरा नानी माँ के घर सामने में कोसंग। तो अभी हम लोग राइडर लोग भी पहुंच गए हैं यहाँ में, तो बाइक लोग को यहाँ पार्किंग ठीक ठाक किया जाएगा। और ये रहा हम लोग का दिख्यांग बस्ती और ये रहा मेरा नानी माँ के घर। तो अभी हम लोग वहीं जाते और ये मेरा मामा के घर है। ये रहा हम लोग कोसंग भाई खेल रहा है गाड़ी। हाय बोलो। तो गांव में टाइम पास के लिए ऐसे वॉलीबॉल खेला जाता है। साथ में यहाँ देखो ऑडियंस भी है। Come on!